उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिए। हमने छोड़ दिया, बस शपथ लेंगे बीजेपी के साथ अब मुख्यमंत्री का फिर से। देखिए अब तो जनता भी कह रही है, देखा है पहली बार ऐसी पलटी मार सरकार। अब जो भी होगा जनता सब देख रही है, इसका हिसाब किताब जनता करेगी। नीतीश जी के साथ सरकार में तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम बने तो 15 महीनों के कामों को ना कोई भुला सकता ना कोई मिटा सकता, ये हमारी उपलब्धि है। और हम जनता के बीच में जाएंगे, ये दिखाएंगे कि क्या क्या ऐतिहासिक कार्य हुए, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ, हमने नियुक्ति पत्र बांटा, इन्होंने सरकार गिराया, तो देख लिया जाएगा। आगे जो भी होगा उसका सामना किया जाएगा। किसी के आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये के कारण वो इंडिया अलायंस टूट के कगार पर। देखिए अब तो टूट का बहाना कोई खोज अगर रहा है तो वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। ये जोड़ तोड़ खरीद फरोख करने वाले लोगों को सही समय पर जवाब देगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि राजनीतिक घटनाक्रम का आकलन करने के बाद जो भी वो निर्णय लिया जाएगा। अब उनको बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। और बीजेपी के खिलाफ जनता पूरी तरह से आक्रोश में है, और बीजेपी जिन्होंने कल तक कहा था कि अब दरवाजा बंद हो गया, दरवाजा खोल कर बैठे हुए हैं, आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई सर? नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था सर, शपथ कब लेंगे सर? इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा।